नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, तो जानना चाहेंगे कौन लोग हैं और क्या मांगे इन लोगों की है, क्या कहना चाह रहे, किससे कहना चाह रहे। जी क्या नाम आपका? सर मेरा नाम केपी चौहान है और मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का संगठन सचिव हूँ। आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और हम सत्संग भवन में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो कोटेदार 5 लाख कोटेदार हैं उनको एक समान कमीशन दिया जाए, बीमे की का लाभ दिया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कोरोना काल में भी हमने बढ़ चढ़ के काम किया है और इस देश की जनता को थाम के रखा है, अन्न वितरण किया है और हमारी मांगे माननी पड़ेगी सरकार को। और आज हम ये संकेत दे रहे हैं कि एक दिन का हमारा धरना प्रदर्शन है, हड़ताल पे हैं हम। यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम पूरे देशव्यापी पूरे देश भर में हड़ताल पर जाएंगे। जी जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम डीसी कटारिया है। जी क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन। और हमारा जो आज ये अनशन का कार्य है, ये हम भूखे पेट कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हमारा आज तक कमीशन नहीं मिल पाया है जो हमने कोरोना के संक्रमण काल में जो काम किया है। कोटे वाले लोग हैं, पहले भी कई बार यहाँ पे आए और मांगे रखी, क्या जब से अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई? कई दशकों से हमारी मांगे विचाराधीन है, केंद्र सरकार के पास में आज तक कोई मांग का हमें ब्यौरा नहीं है कि किसी पे विचार किया गया हो। आज हमने कोशिश किया है माननीय केंद्र सरकार को कि एक हमारा सरकारी जो PDS से अधिकारी हो उसको यहाँ भेजा जाए और हमारे को बताए सरकार क्या इसमें सोच विचार कर रही है, क्या उसका वो है, मतलब निर्णय। हमारी ये है वन नेशन वन कार्ड वन कमीशन भी पूरे देश में होना चाहिए। जैसे दिल्ली में 200 रुपये कमीशन है तो पहली स्टेज पर भारत में भी पूरे देश में 200 रुपये कमीशन हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो वाधवा कमेटी ने निर्णय लिया है 460 रुपये कमीशन प्रति क्विंटल, वो होना चाहिए। अन्यथा हम आज के बाद में हम आमरण अनशन कर देंगे और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर चले जाएंगे, देश की जनता भूख से मर जाएगी। कहाँ कहाँ से लोग आए? ये ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आज मेरा नाम देवर नजक है, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। आज हम लोगों ने विगत कोविड काल में जो हम लोगों ने काम किया था चर भर कर, आप जैसा कि जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं कि कोविड काल में जिस समय कोविड काल था उस समय भी हम लोगों ने चर भर कर किया, जब अपने पति पत्नी से नहीं और पुत्र पिता से जो दूरी बनाया हुआ था, उस समय सरकार ने हमको ई पॉस मशीन में हम लोग अंगूठा लगाकर और खाद्यान्न वितरण किए, तब जाकर उसके घर की चूल्हा और जला। वैसे परिस्थिति में भारत सरकार ने उनके लिए इस बार सोचा, लेकिन हम लोगों ने इनको दिया था कि हमारी जो मांग 10 सूत्री मांगे हैं, आने वाला बजट जो फरवरी में हमारा जो बजट हुआ था उसमें हम लोगों ने कहा था हमारी मांग को पेश कीजिए, लेकिन सरकार ने पेश नहीं किया। इसके खिलाफत पुनः उनको स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए आज हम लोगों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग धरना। हमारा कमीशन वन नेशन वन कमीशन के तहत जब आप काम लेते हो तो एक परिस्थिति में दिल्ली में 2 रुपया, हरियाणा में 70 पैसा, चले जाओ सबसे बुरा हाल तो हमारे देश के पंजाब का है, पंजाब में मात्र 45 से 55 पैसा का उसको मिलता है, जिससे एक परिवार का कोविड वो भी नहीं मिल रहा है। और ये जान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसी सरकार वही हुई कि कोविड काल में जो हमारे विक्रेता मरे उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा वहाँ मिला, बाद बाकी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। हम सरकार से मांगना कहते हैं वन नेशन वन कार्ड के तहत तुम हमको सरकारी सेवक घोषित कर दो, उसमें भी कोई बाध्यता है तो हमारा 55,000 प्रत्येक विक्रेता को मानदेय तय कर दो, और उसमें भी तुमको बाधा है तो आप 3,000 यूनिट पर विक्रेता को आवंटन करो, और उसके साथ 460 रुपया जो बाधवा कमेटी ने 460 रुपया प्रति क्विंटल से कमीशन दो। ये हमारा प्रमुख मांग है। हमारा मांग है कि हमारे विक्रेता को बीमा कराओ। हमारा जितना कोविड काल में आपने हमको काम लिया और हमारा जो मार्जिन मनी बचा हुआ उसको हमको एक मुश्त दो। इन तमाम चीज़ों को लेकर जूट के बोरा में ही हमको आपूर्ति कराओ। इन तमाम 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठा है और लगातार हम लोग बैठते रहे हैं। जब तक ये सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, हमारी इस साल का पहला आंदोलन हम लोगों ने आज से धरना से किया है, और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा
कि आने वाले एक महीना में नहीं होगा तो पूरे देश के डीलर हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे और तब सरकार को जवाब उन जनताओं को देना होगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं वे आए हुए उनका सीधा कहना है कि जो कोटे हैं कोटे बांटे जाते हैं गांव में, गरीब लोगों को जो राशन बांटा जाता है उसका जो कमीशन है वो कमीशन इनका नहीं मिल रहा, और भी इनकी बहुत सारी मांगे हैं। अब देखना होगा सरकार इनकी मांगों पे ध्यान देती है या नहीं देती है, या फिर ऐसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पे या अलग अलग राज्यों में धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। हर खबर से आ जाता हूँ।